दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है और आज मैं एक ऐसी पोइट्री सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जो राष्ट्रवीर सुभाष चंद्र बोस के लिए लिखी है। एक ऐसा राष्ट्रवीर, एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जिसके बलिदान को इस भारत की मिट्टी कभी भुला नहीं सकती और जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, तो उनके लिए मैं कुछ लाइनें लिख करके लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पोएट्री कुछ इस प्रकार है कि सुभाष चंद्र जो नाम वीर का इतिहास हमें बताता है, इस मिट्टी का कण कण जिसकी अमर कथा को गाता है, भारत पवित्र भू धरा पर शहीदों के रक्त को पूजा जाता है, बलिदानी अमर ऐसे महावीरों को सबके संग प्रशांत शीश नवाता है, रोता है ये आकाश भी धरती अश्रु बहाती है, जब जब युद्ध को सुभाष सा बलिदान याद आता है, थम जाता है गंगा का नीर कर नमन हिमालय झुक जाता है, जब भी इस धरती पर तिरंगे में लिपटा कोई शहीद घर को आता है। 23 जनवरी 1857 कटक उड़ीसा में नियति ने जिसका जन्म लिखा, साधारण सा जन्म कहां श्री राम सा अवतार लिखा, प्रभा जानकी मात पिता से रण विजय का आशीर्वाद मिला, ले शिक्षा कलकत्ता लंदन से जिसने स्वतंत्रता समर संग्राम लिखा, नहीं लिखे शब्द साधारण मैंने शिवाजी सा स्वराष्ट्र लिखा, जिसके नाम से शत्रु कांपे ऐसे पराक्रम का अमर इतिहास लिखा, तोड़ गुलामी की जंजीरों को जिसने दी चुनौती अंग्रेजों को, हर बूंद बहाकर लहू की जिसने आजादी का हर प्रयास लिखा, जय हिंद था नारा जिसका करें नमन उस महावीर को, कर बगावत शत्रुओं से जिसने राष्ट्र का जयगान लिखा, लिया प्रण स्वतंत्रता भारत की इस मिट्टी का, सुभाष चंद्र ने अपना हर लहू भारत माँ के नाम लिखा, नहीं लिया चैन आराम कभी जो हृदय पर देश सम्मान लिखा, आघात हुआ सम्मान देश का तो विद्रोह डोर कर थाम लिखा, शत शत नमन उस महावीर को जिसने कर संकल्प स्वतंत्रता परिणाम लिखा, तोड़ गुलामी की जंजीरें जिसने दी चुनौती अंग्रेजों को, निस्वार्थ भाव से जिसने राष्ट्र हित शुभ हो शाम लिखा, हो गए कुर्बान वतन पर जो उनकी अस्थियों के कणकण पर हिंदुस्तान लिखा, मारा कई रावण रूपी शत्रु को जिसने फिर उनके रक्त से जय श्री राम लिखा। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हो। जय हिंद, जय भारत।